आज है 27 जून मंडे का दिन, और ये जो साइट है अब्दुल्ला पैलेस के सामने मैन नगर रोड से 90 मीटर की दूरी पर और वलगांव रोड से 250 मीटर की दूरी पर और गैबुशा वली की दरगाह धर्म घाटी की पे जो है वहाँ से ये साइट क्लियर दिखती है। और ये साइट से गैबुशा वली की दरगाह भी क्लियर दिखती है। अलैहिस्सलाम आप देख सकते हैं कितनी मेन जगह पे ये है। आज जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि यहाँ पे धुम्मस मारी गई थी, इसको भर्ती को दबाया गया था और पानी जैसा कि वैसा दिखाई दे रहा है सेप्टिक में, ये इसको चेक करने के लिए रखा गया था इसमें कि कहीं लीकेज ना हो जाए, हो तो पता चल जाए फिर उससे रिपेयर कर सकते हैं। वो चेकिंग करना ही पड़ता है, एक फॉर्मेलिटी रहती है वो। और अभी भी बन चुके हैं, अभी आगे का काम शुरू होगा। और ये जो साइट है इसके इंजीनियर है सर अवेस खान और कॉन्ट्रैक्टर है मोहसिन खान सर। और ये साइट पे जो है 1500 स्क्वायर फीट की है, यहाँ दवा खाना वगैरह रहेगा और इंजीनियर ऑफिस रहेगा, डॉक्टर खान का दवा खाना रहेगा, इनक्यूरेबल स्पेशलिस्ट और सर अवेस खान का इंजीनियर ऑफिस यहाँ बनेगा। और ये बड़ा प्रोजेक्ट है, 1500 स्क्वायर फुट का प्लॉट है, आप समझ ही सकते हैं। 16 कॉलम लगे हुए हैं और लिफ्ट का गाला भी है माशाल्लाह। बुनियादें इसकी बहुत ही मजबूत रखी गई है, आप तो आपने पिछले वीडियो में देखा ही होगा। और पानी भी भरपूर मिला है, मेन पानी हम ऊपर से तो मारते ही अलग से, लेकिन बारिश का पानी भी इसको भरपूर मिला है, जिससे वो गड्ढों में जो पायदान रहता है, बेस रहता है, उसको जो बारिश का पानी अंदर जाता है वो अपना एक्सटर्नल पानी वैसा नहीं जा पाता, तो वो पानी जाने के कारण और मजबूती आई है। और जितना बेस सही रहेगा उतना ही हम आगे इसको एक के बाद एक माला चढ़ा सकते हैं। और ये यहाँ पे मुरम भी जो लगी थी अंदर, वो भी एकदम रॉक था, पत्थर था। तीन टाइप की मुरम रहती है, एक सादी, एक थोड़ी हार्ड और एक रहती है जहाँ पे पत्थरी मुरम के रहे, जहाँ से टूटना भी मुश्किल हो जाए। तो ये एकदम बहुत ही अच्छी किस्म की मुरम लगी थी, जिसको जेसीबी की ज़रूरत थी खोदने के लिए, लेकिन हमारे को इसका आइडिया नहीं था कि इतनी अच्छी मुरम लग जाएंगी माशाल्लाह। तो हमने मज़दूरों के ज़रिए ही खुदाए, तो 12 दिन लग गए हमें, जो काम जेसीबी का दो दिन के अंदर हो जाता था वो, और कॉस्टली भी नहीं पड़ता था। और लेबर भी क्या करेंगे, उनको भी आइडिया नहीं था कि इतना अच्छा मुरम निकलेगा, वो भी तारीफ़ कर रहे थे। तो ये अच्छी बात थी हमारे लिए, लगे जितने भी दिन लगे उससे कुछ मतलब नहीं है, बस मुरम अच्छा निकला माशाल्लाह तो वो अच्छा हुआ। और आगे अब अपडेट जारी रखेंगे, आज कुछ काम तो नहीं हुआ है शायद, क्योंकि कल जो हुआ था वही है, उसको टाइम देना पड़ता होगा, इस वजह से कुछ आगे आज हुआ नहीं। और अभी मैं तो रात में आया हूँ वीडियो बनाने, अब देखते हैं कल कुछ लेबर आते हैं कि काम करने आगे, कल पता चलेगा। आप बने रहे।